नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ विदिशा। समाजवादी पक्ष महाराष्ट्र के नेता अबू असीम आजमी ने श्रद्धा हत्याकांड की कड़ी शब्दों में निंदा की और कहा ऐसे मामलों को रोकने के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और कानून बनाना होगा। इस संदर्भ में कहते हुए अबू असीम आजमी ने कहा कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रुख दिया जा रहा है, इससे देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने का काम हो रहा है, इसमें धर्म की कोई बात नहीं है। और कहा कि नौजवान आज भारतीय तहजीब भूलकर बेहया पर उतर चुके हैं। देखिए और क्या कहा अबू असीम आजमी ने। साथियों, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का खूनी दरिंदा आफताब पूनावाला और श्रद्धा के साथ जिस तरह की हरकत किया है, ये इंसानियत को शर्मसार कर रही है। श्रद्धा के वालदेन के आंसू का कोई मोल नहीं, उन पर क्या गुजर रही है वही जानते होंगे। ऐसे वाकयात मुल्क में बहुत हो रहे हैं। बेटियों को बचाने के लिए फैमिली के लोगों को कदम उठाने होंगे, परिवार वालों को इसके ऊपर सख्त कदम उठाना पड़ेगा और पुलिस को, सरकार को सख्त कानून बनाना होगा। खूनी दरिंदा आफताब पूना वाले को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलना चाहिए अगर उसने ऐसा वाकया किया है तो। लेकिन इसे हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं ना, वो सिर्फ मुल्क में भाईचारगी को खत्म करके एक जबरदस्त तरीके से गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताऊं कि इसके पहले एक मेरठ में एक वाकया हुआ था जिसमें लड़की हिंदू थी और लड़का मुसलमान था, और लड़की ने मुसलमान लड़के को मार के सूटकेस में रख कर फेंकने जा रही थी तो पुलिस को शक हुआ, चेक किया तो पकड़ी गई। यहां लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, वहां लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, इसमें धर्म जात का कोई लेना देना नहीं है। मॉडर्न जमाने में लोग जो है ना, भारतवर्ष की संस्कृति भूल करके बेहयाई पर आ चुके हैं। इसको ये कहना कि ये जो है जानी बुद्धि शादी से आप मुसलमानों के साथ हम ऐसा करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत होगा। इस पर सख्त कानून बने। 18 साल की उम्र के बाद कोई भी लड़का किसी लड़की से शादी कर सकता है, यह कानून है, मगर मां बाप की इजाजत के बगैर इस तरह का कदम उठाना कहीं न कहीं बच्चों को तकलीफ में डाल रहा है, आफत में डाल रहा है। इसमें लव जिहाद का नाम लाकर लोग रोजाना अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। अभी मैं बताऊं, मुंबई के अंदर डोंगरी पुलिस स्टेशन और मानकू शिवाजी पुलिस स्टेशन में दो केसेस हैं जहां लड़का हिंदू है और मुस्लिम लड़की 14 साल की है, दोनों में नाबालिग लड़की है, महीनों से लड़का लेकर चला गया है, आज तक पता नहीं है। लेकिन हम इसे लव जिहाद नहीं मानते, हम इसे बदमाशी, गुंडागर्दी, बदतमीजी समझते हैं। धर्म, किसी धर्म का भी शख्स ये कर सकता है, इसको जबरदस्ती लव जिहाद करके ऐसी चीजें लाकर कि हम भी ऐसा करेंगे मुसलमानों के साथ, मैं समझता हूं ये बहुत ही गलत है। इस पर सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए और जो भी कानून बने वो ऐसा कानून बनना चाहिए जो हर धर्म के लिए बराबर हो। ये क्या मतलब, एक तरफ ये लोग कहें कि मुस्लिम लड़कियों को शादी करके लाओगे तो हम 2 लाख रुपए देंगे, उनका धर्म चेंज करेंगे, और एक तरफ कोई मुसलमान हिंदू से शादी करता है तो उसके घर पर जाकर के उसके घर वालों को डरा धमका करके ये कहा जाता है कि लड़की ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि लड़के ने जबरदस्ती शादी करके बेवकूफ बनाया। अगर उसकी इंक्वायरी होती है तो सच्चाई सामने आ जाती है। इस तरह के वाकयात पर सरकार को ध्यान देकर कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि जो लोग इसको लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम की आपसी लड़ाई कराना चाहते हैं, वो सियासी रोटी आना सीखने पाए। शुक्रिया।